आज मणिपुर पर चर्चा हो जाए, लेकिन सर्वप्रथम कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के संदर्भ में क्या कहा था वो सुन लेना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। तो सुना आपने, लेकिन 40 दिन से ऊपर हो गए, मणिपुर लगातार जल रहा है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, इस देश का एक राज्य है। हिंसा का यह आलम है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। 103 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, तमाम बिल्डिंग फूंक दी गई है। आम लोगों का, विधायकों का, सांसदों का घर तो जल के स्वाह हो ही गया था, अब बीजेपी के अपने एक मंत्री का घर जल के खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, स्थिति संभल रही है, इनफैक्ट बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की भाजपा सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। स्थिति राज्य सरकार से कंट्रोल नहीं हो रही है, दिल्ली के हुक्मरान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं, अमित शाह गए थे वहां पर, लेकिन वो पर्यटन करने गए थे या समस्या का समाधान खोजने गए थे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि उनके आने के बाद से तो हिंसा और भड़क गई है, कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। तो स्थिति इतनी कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई है? इस देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, तो अगले 25 साल की नींव रखने की बात करते थे। अब जब हिंसा भड़की हुई है तो ना शांति की एक अपील है, ना एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने शब्द बोला है इस हिंसा के खिलाफ, इन मौतों के खिलाफ। और अब तो वो भयावह सच सामने आ रहे हैं जहां पता चल रहा है कि चुनाव जीतने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा, राम माधव और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उग्रवादी संगठनों का सहारा लिया था। और मीडिया के मेरे साथियों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि मणिपुर दिल्ली से दूर है, क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, और क्योंकि मणिपुर के हालात बताने से इन लोगों के काले कारनामे सामने आ जाते हैं, कब तक कवर फायरिंग दीजिएगा? मणिपुर इस देश का हिस्सा है, और जो अखंड भारत का दंभ भरते हैं, पहले इस देश के एक हिस्से को तो बचा लीजिए। जो जुमला फेंकते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का, पहले ये गृह युद्ध तो रुकवा लीजिए। असलियत यह है कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको अपनी यूएस की पैकिंग से फुर्सत मिल जाए तो संज्ञान लीजिए और स्थिति में सुधार बहाल करने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि मणिपुर को तो आपने उनके हालात पर छोड़ दिया।